6 सितंबर से शत्रु के घर आ जाएंगे मंगल। किन राशियों के लिए शुभ है अस्त मंगल का राशि परिवर्तन? किन राशियों के लिए चुनौतियां लेकर आएगा अस्त मंगल की बदलती स्थिति? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस 6 सितंबर से यानी कि आज ही के दिन से पराक्रम कहते हैं कि ताकत के जो सबसे बड़े मालिक कहलाए जाते हैं यानी कि मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वक्त मंगल अस्त चल रहे हैं और अपने इसी अवस्था में मंगल अपने शत्रु के घर में जाके बैठ जाएंगे यानी कि कन्या राशि में, और कन्या राशि में पहले से ही बुध विराजमान है। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि मंगल और बुध के बीच में कभी भी मित्रता नहीं होती है, इन दोनों ही ग्रहों के बीच में हमेशा से दुश्मन का प्रभाव देखा गया है, दुश्मन जैसे रिश्ते देखे गए। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जब कोई ग्रह को भी मंगल जैसा ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठ जाता है, अपने दुश्मन के साथ बैठा हो, तो भाई 12 की 12 राशियों के लिए वो कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है? जी हाँ, ये प्रभाव रहेगा तकरीबन 45 दिनों तक, यानी कि आज से लेके आने वाले 45 डेज मंगल के यानी कि अस्त मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपकी जिंदगी में कितना असर पड़ने वाला है ये आज हम समझेंगे महेश जी से। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हमारे ज्योतिष शास्त्र में आखिरकार मंगल की क्या अहमियत होती है नवग्रहों में से एक, और व्यक्ति के जीवन को किस तरह से मंगल ज्यादा प्रभावित करता है? देखिए, मंगल जो है, जैसे आपने बोला कि पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है, हमारे शरीर में रक्त का कारक है। देखिए, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। अब आप देखिए, जिन व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट होता है, रक्त विकार होते हैं या कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी होती है, वो मंगल अगर कुंडली में खराब है, नीच अवस्था में है, राहु शनि के साथ है, केतु के साथ है, अष्टम भाव में है और बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया है, तो व्यक्ति को लाइलाज बीमारी मंगल दे देता है, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, रक्त को खराब करता है। तो मंगल कुंडली में बलवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल बलवान नहीं है तो आपके पास कितना ही ऐश्वर्य धन आ जाए, लेकिन आपके अंदर उसको बचाने की, उसको सेव करने की हिम्मत नहीं होगी। मंगल साहस है, आपको ऊर्जा देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हिम्मत ताकत ही नहीं है, कल को कोई भी आपको बुरा प्रभाव से आपको लूट सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो व्यक्ति के अंदर पराक्रम भी बहुत होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में कविता जी मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में होता है, यानी कि मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं, इन अगर राशियों में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर गजब का पराक्रम होता है और उसकी जो छवि होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ये लोग होते हैं, इनका मंगल बलवान होता है। और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनता है इन राशियों में जब मंगल बैठता है। तो मंगल का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। मंगल साहस का कारक है, युद्ध का कारक भी है, और जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं, गोचर में मंगल खराब चल रहा हो या मंगल की अंतर्दशा है, तो विरोध के स्वर भी जागते हैं, या व्यक्ति को विरोध का सामना करना पड़ता है, उसको हर और आलोचना का सामना करना पड़ता है या परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि मंगल जो कि ऊर्जा का कारक माना जाता है, और जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है वो लोग इतने ऊर्जावान होते हैं कि 24 आवर्स काम करते हैं। और कहा जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि ज्योतिष में मोदी जी की जो कुंडली है वो भी मंगल प्रधान उनकी कुंडली मानी जाती है। लेकिन चलिए, आज हम महेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अस्त मंगल चल रखा है। महेश जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है लोगों के लिए कैसा रहेगा, सकारात्मक है या नकारात्मक? देखिए, मंगल शत्रु राशि में बैठे हैं और शत्रु के साथ बैठे हैं, तो ये जो गोचर है इतना ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ सावधानियां बरत के चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए, बिना वक्त गवाए महेश जी से एक एक करके राशि के बारे में हम जानेंगे कि भाई आने वाले 45 दिन राशि अनुसार आपके लिए कैसे रहेंगे। आइए सबसे पहले हम मंगल की ही जो उसकी मुख्य राशि होती है मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों, आपके मंगल छठे भाव में अस्त हो जाएंगे, अस्त चल रहे हैं अभी, और बुध के साथ युति करके बैठेंगे, तो यहाँ मंगल आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा, माता जी की सेहत को भी कोई थोड़ा सा नुकसान पहुँच सकता है। कहीं ना कहीं इस समय के दौरान आप थोड़ा सा शारीरिक कष्ट को लेकर परेशान रहेंगे, तो ज़रा सी भी अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसका आप तुरंत इलाज कराइए, मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें। इस समय प्रेम प्रसंग के मामलों में भी थोड़ी असफलता हाथ लग सकती है।
किसी भी परिवर्तन से इस समय आपको बचना चाहिए, खासकर अपने बिजनेस में या नौकरी व्यवसाय में कहीं धन का निवेश ना करें। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कि वृषभ राशि के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन क्या कुछ ला रहा है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन काफी अच्छा रहेगा। आपके संतान की तरक्की होगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मंगल आपको पेट संबंधी कोई तकलीफ पैदा कर सकता है, पेट में कोई इन्फेक्शन आपको आने वाले 45 दिनों में रह सकता है, तो थोड़ा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बाकी धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, काम कारोबार के लिए ये गोचर आपका अच्छा है। संतान सुख की भी वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जानते हैं कि मिथुन राशि जो कि बुध से ज्यादा प्रभावित होती है और ऐसे देखिए कन्या राशि में मंगल बैठे हुए हैं, तो इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए मांगलिक यहाँ पर दोष का निर्माण हो जाएगा, चतुर्थ मंगल रहेंगे, तो आपको वाणी पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। कार्य व्यवसाय में स्थिति आपकी ये मंगल अच्छी बना के रखेगा, तो काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। मान प्रतिष्ठा के लिए भी सही है, लेकिन आपको स्वयं को इस समय आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तब तक हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के बारे में जाना, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, आपके पराक्रम भाव में मंगल रहेंगे तो पराक्रम की वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपका भाग्य भी समय पूरी तरह साथ देगा। जो रुके हुए कार्य थे वो आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे 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 स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएंगी। कुल मिलाकर ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बुध और मंगल की यहाँ युति रहेगी, तो ये जो लोग पत्रकार हैं कर्क राशि वाले, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। चलिए अग्र राशि हमारे जो कि ग्रहों के सामने कहलाए जाता है, यानी कि सूर्य दिन, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये सिंह राशि वाले इस समय धन हानि होने की आशंका है, तो पैसा कहीं भी निवेश ना करें, खासकर गलत कामों में अगर आप लॉटरी जुआ सट्टा खेलते हैं या लगाना चाहते हैं, इस जगह निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि बिल्कुल निवेश ना करें, अन्यथा हानि हो जाएगी। यहाँ आपको अपनी थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपके मुख से कुछ अपशब्द निकल सकते हैं, खासकर आपके अपनों के लिए, तो रिश्ते खराब ना हो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वाणी पर थोड़ा संयम रखना चाहिए तो बेहतर रहेगा। काम कारोबार के लिए मंगल और बुध की स्थिति आपको अच्छी रहेगी, पैसा आपके पास आएगा जरूर, लेकिन मंगल की जो स्थिति है वो धन हानि का संकेत दे रही है, तो पैसा अगर आता है तो उसको निवेश ना करके सेव करके रखें, भविष्य की योजनाओं के लिए अगर कहीं निवेश कर देंगे तो नुकसान हो सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हो जान लेते हैं कि भाई कन्या राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आने वाले 45 दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ ला रहा है। कन्या राशि वालों, आपके मान प्रतिष्ठा में यहाँ वृद्धि होगी, मंगल बुध की युति से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, भाग दौड़ बनी रहेगी, थोड़ा मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, यानी कि चिड़चिड़ा स्वभाव आपका रह सकता है, तुनक मिजाज हो सकते हैं, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मेलजोल बना के रखें, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा काम कारोबार के लिए ये समय जो है आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। कन्या से हम आगे बढ़ते हैं, जो अगली राशि हमारी है वो है तुला, तो तुला राशि वालों के लिए अस्त मंगल का ये बदलती स्थिति कैसी रहेगी। तुला राशि वालों, 12वें घर में आपका मंगल और बुध की युति हो रही है, तो यहाँ खर्च आपके इस समय बढ़ सकते हैं, पैसा आएगा लेकिन वो खर्च हो जाएगा। अब खर्च यहाँ दो तरह के हो सकते हैं, आप सुख साधन भी इस समय खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में तो शुक्र की स्थिति बहुत बलवान हो गई है, शुक्र आज ही आपकी राशि में आ गया, तो शुक्र आपको विलासतापूर्ण जीवन देंगे, सुख साधन पर मंगल यहाँ पैसा खर्च करवा देगा, तो वो तो अच्छा है, लेकिन कोई भी गलत काम में ज़्यादा पैसा आप खर्च मत करें, गलत काम में लिप्त मत रहें, अन्यथा यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको संभल के चलना है। भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे यहाँ, शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान की भी आपको वृद्धि होगी। चलिए ये तो हमने तुला राशि वाले जातकों के बारे में जाना, बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लाभ स्थान में मंगल बुध की युति अचानक से धन लाभ करा देगी, अचानक से आपके प्रमोशन होने की संभावनाएं बनेंगी, व्यापार में अचानक से धन लाभ होगा, स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी, सुख साधन आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, संतान सुख की भी तरक्की होगी, कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। ऋषि के बाद आगे बढ़ते हम बात कर लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ ला रहा है अस्त मंगल की ये बदलती स्थिति। धनु राशि वालों, यहाँ भाग्य में कुछ रुकावट से महसूस करेंगे, हर काम में आपकी अड़चने आएंगी, लेकिन अंत में आपके काम सारे बन जाएंगे, क्योंकि मंगल बुध की युति यहाँ पर यह कि आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दे रही है, मान सम्मान की वृद्धि दे रही है, और आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहेगा। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं इस समय, तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है, बेहतर समय।
चलिए अगली राशि हमारी मकर और जिनके स्वामी शनि माने जाते हैं, तो ऐसे में देखिए अस्त मंगल शनि की राशि को क्या कुछ देके जा रहे हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों, ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। आपके भाग्य स्थान में ये योग बन रहा है तो भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, भाग्य के बल पे सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, किसी नए व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें, उनकी सलाह मान के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी आपको काफी अच्छी और बड़ी सफलता इस समय मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगली राशि भी शनि की कहलाई जाती है, वो है कुंभ। तो महंगे इन लोगों के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति यहाँ सेहत संबंधी कष्ट रह सकते हैं। आपको पेट संबंधी इन्फेक्शन इस समय परेशान कर सकते हैं, आंतों की कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं। तो सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी भी है और साढ़े साथी का पहला दौर है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये सब समय है सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। इस समय धन लाभ की स्थिति यहाँ मंगल बना रहता है, अचानक से धन लाभ होगा, व्यापारियों को अच्छा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, उनको किसी परिवर्तन से इस समय बचना चाहिए तो ये बेहतर रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी और बारहवीं राशि यानी कि मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों, आपके लिए ये गोचर जो है काम कारोबार के लिए काफी अच्छा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी, लेकिन मांगलिक दोष के कारण, क्योंकि बुध तो यहाँ लाभ दे रहा है, मंगल यहाँ आपके जीवन साथी के साथ कोई ना कोई छोटी मोटी बात को लेके कोई मतभेद हो सकता है या कोई आर्गुमेंट हो सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ आपको बुध की स्थिति मंगल के साथ बैठ के आपको अचानक से धन लाभ के संकेत, कार्य व्यवसाय में भी आपको तरक्की दे रही है, तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। आपका खुद का स्वास्थ्य भी इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आज हमने महंगी से जाना है कि भाई किस प्रकार से आज ही से यानी कि 6 सितंबर से अस्त मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपने इस बदलती स्थिति के दौरान वो अपने शत्रु राशि यानी कि कन्या राशि में जाकर बैठ जाएंगे। और देखिए वो कन्या राशि में बैठ के क्या कुछ आपको दे रहे हैं वो हमने आपको बता दिया, लेकिन आइए महंगी से थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं किस प्रकार अगर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, आपकी जिंदगी में मंगल कहीं ना कहीं कहीं के कमजोर हो रखा है, तो महंगी ऐसे में क्या उपाय इन लोगों को करने चाहिए। देखिए इस समय क्या करना चाहिए कि मेष राशि, वृश्चिक राशि वालों, जिनकी राशि का स्वामी ही अस्त हो रखा है, आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए विशेषकर इन दो राशियों को, और सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा है। दिन में अगर 3-4 बार करते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और हम कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ बैठकर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या रहेगा, आपको हर जगह कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और बजरंग बली का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मंगल ग्रह भी प्रसन्न होंगे और अशुभ फल आपको कम मिलेंगे या बहुत ही खत्म हो जाएंगे और शुभ फलों की यहाँ वृद्धि कर देंगे, तो ये उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ मुझे और महंग जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज जो कि महंग जी हमसे काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिवस है, तो मेरी तरफ से धर्म ज्ञान की तरफ से सर आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, और पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं और हमारे प्रोग्राम को हिट बना देते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो इससे हमें लगता है कि जो हम कार्य हम काम कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सफल हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल, आपका ये प्यार, आपका जो ये रिस्पॉन्स है यही हमें आपके सबसे ज़्यादा करीब लाता है। चलिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।